हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज के नए वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने फ़ोन में अलार्म को लगाओगे। दोस्तों अपने फ़ोन में अलार्म लगाना चाहते हो दोस्तों, आप अलार्म को कैसे सेट कर सकते हो, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाला हूँ। दोस्तों बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में क्लॉक सेटिंग को ओपन कर लो। दोस्तों क्लॉक सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अलार्म पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी कोई भी अलार्म नहीं है। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम टाइम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 2:23 के लिए। दोस्तों अलार्म को वाइब्रेट रखना चाहते हो तो वाइब्रेट रख सकते हो यहाँ से। अलार्म को दोस्तों बिना वाइब्रेट के यूज़ करना चाहते हो तो बिना वाइब्रेट के कर सकते हो। अलार्म रिंगटोन पे क्लिक करो। अलार्म रिंगटोन को दोस्तों यहाँ पर आप पहले सेलेक्ट करो रिंगटोन पे क्लिक करके, कौन सी रिंगटोन आप यूज़ करोगे अलार्म रिंगटोन पे, ठीक है। अलार्म को दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर दो। अलार्म रिंगटोन सेट। अब दोस्तों आप इस अलार्म को रिपीट करना चाहते हो मंडे टू फ्राइडे डेली, या कस्टम पे क्लिक करके अपने कोडिंग कर सकते हो। दोस्तों राइट क्लिक करते ही दोस्तों आपके फ़ोन में अलार्म सेट। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ ही सेकंड बाद हमारे फ़ोन में अलार्म बज जाएगा 20 सेकंड है अभी हमारे पास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 20 सेकंड के लिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करो। स्टॉप वॉच को ऑन कर सकते हो, यहाँ पर स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में। यहाँ पर आप टाइमर को सेट कर सकते हो, आवर लिस्ट, मिनट लिस्ट और फिर सेकेंड लिस्ट को यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों 3 सेकंड दे गए हैं, आप देख सकते हो 3, 2, 1। दोस्तों फ़ोन वाइब्रेट भी हो रहा है, देख रहे हो, इसको स्टॉप कर देते हैं। अब दोस्तों एक और अलार्म को यहाँ पर हम ऐड करते हैं 24 पे, और दोस्तों अलार्म के वाइब्रेट को कर देंगे ऑफ, ठीक है। अलार्म के वाइब्रेट को हमने कर दिया ऑफ। दोस्तों यहाँ पर अलार्म रिंगटोन को चेंज कर लेते हैं। आप ऐसे अलार्म रिंगटोन को चेंज कर सकते हो, आपको जो भी रिंगटोन पसंद है आप उस पर क्लिक कर लो। जैसे दोस्तों आप, मैं ड्रीम रिंगटोन पे क्लिक करता हूँ। और दोस्तों आप इस अलार्म को डेली मंडे टू फ्राइडे या कस्टम पे क्लिक करोगे, ओनली मंडे, ओनली ट्यूसडे, ओनली वेनसडे, ओनली थर्सडे, ओनली फ्राइडे, ओनली सैटरडे, ओनली संडे अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बस बता रहा हूँ रिपीट कर सकते हो अलार्म को, ठीक है। राइट क्लिक है दोस्तों, आपके फ़ोन में अलार्म सेव हो जाएगा बिना वाइब्रेट के। अब दोस्तों यहाँ पर से तो कितने सेकेंड लगेगा, ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट है। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आपका जो अगला अलार्म आने वाला है वो 2:24 PM पे है। और यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हो दोस्तों 10। दोस्तों फ़ोन वाइब्रेट नहीं कर रहा है, पहले वाइब्रेट कर रहा था। दोस्तों इस तरीके से अलार्म वाइब्रेट सेटिंग को और अलार्म को आप सेटअप कर सकते हो, अलार्म सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी अलार्म को आपने सेट करा है आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप अपने फ़ोन के अलार्म को डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आपके फ़ोन में कोई भी अलार्म नहीं है। दोस्तों इस तरीके से हम अलार्म फुल सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक सेटिंग को दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप टाइम को चेक कर सकते हो सेकंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो फोन की सेटिंग को लेकर कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर दोस्तों।